खुद के होने का खुद को ही पता होगा कि किसी और को पता होगा तो मुझे मेरे होने का पता है बिना किसी साधन के बुद्धि चल रही नहीं चल रही उसको मेरी जरूरत है पर मुझे किसी की जरूरत नहीं है मुझे आवश्यकताओं में बुद्धि इस्तेमाल करूं ना हो तो ना करूं मन इंद्रियां शरीर का उपयोग करूं ना चाहूं ना करूं सुषुप्ति में सब पीछे छोड़ देता है ये कहो सब छूट जाता है सुषुप्ति में सब छूट जाता है समाधि में साधक छोड़ देता है तो जहां बुद्धि नहीं मन नहीं वहां भी तुम्हारा अस्तित्व है कैसा है साक्षी स्वरूप है पर फिर वही बात ध्रुव को अगर अपना चेहरा देखना तो शीशा चाहिए पर अगर अपना चेहरा नहीं देखना तो शीशा चाहिए जेब में लेके घूमते हो क्या देखो अपनी जेब में है शीशा जितनी बैठी ना लेडीज इनके पर्स में हमेशा होता कंगी और शीशा स्त्रियों के पास दोनों होंगे पुरुषों के पास कंगी होगी गंजा हो जाए तो भी होगी एक्स बालों की याद में कंगी रखी रहती है कभी तो थे ना स्वयं का शकल देखना हो तो शीशा चाहिए पर अगर न देखनी हो तो हमें मालूम है कि हमारी शक्ल कैसी है मुझे वो याद आती है एक बच्ची एक लड़की छोटी पांच छ साल की डॉक्टर के वेटिंग रूम में बैठी थी अपनी माँ के साथ गई थी और वेटिंग रूम में पहले से कुछ और मरीज भी थे एक वहां महिला भी थी महिला ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था उसने उस बच्ची को बुलाया बेबी आप कैसे हो बेबी कहती मैं तो ठीक हूं तू भूतनी लग रही है उसका मेकअप खराब हो गया होगा स्कूटर में बैठ के आई होगी बाल खराब हो गए होंगे तो बच्चों के तो कोई जुबान पे लगाम नहीं होती बोले मैं तो ठीक हूं तू भूतनी लग रही है अब उसको तो मालूम नहीं कि वो कैसी लग रही है चेहरा उसका है पर उसी को नहीं मालूम कि कैसा लग रहा है राइट right? पर शीशा देखेगी तो मालूम हो जाएगा कि कैसा लग रहा है पर शीशा देखे न देखे जब ये पता हो कि हाँ हमारा चेहरा कैसा है तो मालूम है वो मालूम होना बना रहता है वो खत्म नहीं हो जाता है इसी तरह से जो मेरा अपना आप है सो सचितान है पर बुद्धि के शीशे में कौन सी बुद्धि सदबुद्धि सदबुद्धि के शीशे में इसको जाना इसको समझा जाता है पर जैसे ज्ञानी है ज्ञानी समझ गया तो कहते फिर क्या ज्ञानी रोज सुबह बैठ के ध्यान करता है मैं सच्चिदानंद आनंद हूँ क्योंकि तो उसको कोई संशय नहीं है इसलिए उसे बार बार सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ वह अपने स्वरूप की मस्ती में जीता है और बुद्धि से कोई सोच विचार भी, भी नहीं ये विचार भी, भी नहीं करता है कि मैं सच्चिदानंद हूँ भूल जाए संशय हो जाए भ्रम हो जाए तो सोचना पड़ेगा अब जब सोचना है तो फिर बुद्धि कौन सी चाहिए फिर सद्बुद्धि चाहिए और सद्बुद्धि एक ही दिन में नहीं बन जाती निष्काम कर्म करने से मल दोष दूर होता है पाप बुद्धि दूर होती है भक्ति करने से उपासना करने से मन की चंचलता दूर होती है तो ये सद्बुद्धि बनने की प्रोसेस है और फिर इस सद्बुद्धि के साथ बहुत गहरी श्रद्धा के साथ जब गुरु का वचन सुनता है कौन सा वचन वेदांत का वचन सुनता है तो फिर धीरे धीरे ये सब स्पष्ट होने लग जाता है। बुद्धि जाने न जाने जैसे मेरा होना मैं जानता हूं पर मेरे होने के बारे में अगर कुछ बोलना होगा तो बुद्धि भी चाहिए जुबान भी चाहिए है ना और भाषा का ज्ञान भी चाहिए फिर तीनों चीजें चाहिए अच्छा जिसकी जुबान ना हो क्या वो नहीं जानता है कि मैं हूं गूंगा है बोल नहीं सकता है तो क्या वो नहीं जानता है कि वो है या नहीं है जिसके नेत्र ना हो वो देख नहीं सकता है क्या वो भीतर से जानता है मैं हूं या नहीं हूं या कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं हूं या नहीं बहरा हो कोई सुन न सकता हो क्या वो नहीं जानता है कि वो है और तो और ऑटिस्टिक बच्चे मेंटली चैलेंज्ड बच्चे क्या वो जानते हैं कि वो हैं या नहीं है क्या उनको अपने होने का पता है या नहीं है उनको भी है पर अगर किसी का मेंटली चैलेंज कोई बच्चा है तो किस स्टेज का है किस बीमारी की वजह से है तो शायद वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए शायद लेकिन कभी कभी ये मेंटली चैलेंज बच्चे भी बहुत अच्छे से वो क्या महसूस करते हैं वो किसी तरह कम्युनिकेट कर पाते हैं मुझे याद है एक बार मैं लुधियाना में थी तो वहाँ ये स्पेशल जो बच्चे हैं डेफ एंड डम बच्चों के स्कूल में मैं गई वो उनका स्कूल हॉस्टल वहीं रहते थे नॉर्थ इंडिया के बच्चे थे ज़्यादा हिमाचल हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ के बच्चे थे वहाँ पर उन्होंने एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम सोच के दिमाग हिल गया था कि वहां एक लड़के ने डांस किया म्यूजिक चला गाना चला हिंदी सिनेमा का उसने क्या खूबसूरत डांस किया और बाद में मुझे बताया गया ये तो सुन नहीं सकता है मैंने कहा सुन नहीं सकता है, पर उसने बीट एक मिस नहीं करी ऐसे कैसे तो कहते इसका जो इंस्ट्रक्टर है वो ये स्टेप करना है ये स्टेप करना है ये स्टेप करना है रुकना है तो ये साइन उसका नीचे से जो इंस्ट्रक्टर है वो ये साइन इस साइन का मतलब है कि जिस पोज में हो बस उसी को होल्ड करके रखो और उसने सिखा रखा है कि मुस्कुराना है या उदास होना है या आकाश को देखना है कि बाएं देखना है कि दाएं देखना है कि नीचे देखना है वो प्रैक्टिस करा करा के वो नीचे से ही इशारे कर रहा अब हम लोग नहीं देख पाए उस इंस्ट्रक्टर को हम तो उसका डांस देख रहे हैं i was like baffled that this boy can't even hear and he did a fabulous dance without missing a beat so how much hard work the instructor did that was amazing and and he was doing like one two three four one two three four and the action one two three four action if it is going to be you know like in continuity then he would say do this keep on doing keep on doing आखिर में जब पूरा ये प्रोग्राम खत्म हुआ तो आ, कुछ बच्चे मेरे पास आए तो वो मुझे एक ये साइन था कि हम आपको प्यार करते उनकी आंखें बता रही बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते अब लगभग साढ़े छह महीने मौन हम भी रहे हैं इसलिए कुछ इशारों का हमें भी ज्ञान था तो हमने भी इशारों में जवाब दे दिया उनने बोला वी लव यू तो हमने भी जवाब दे दिया इशारों में लव यू टू आर्टिस्टिक बच्चों के साथ मैंने समय बिताया कुकिंग करते सिलाई करते कैसे सिखाया टीचर्स ने बहुत कमाल गेम्स एक्सरसाइज कराते कराते उनको कुकिंग और सिलाई और मोमबत्ती बनाना तलक सुपरवाइजर है वो साथ में बताता है वो कर रहे हैं बच्चे सब कुछ कर रहे हैं इसका मतलब मैं हूं के लिए इंद्रियां चले ना चले फर्क नहीं पड़ेगा मन चले नहीं चले फर्क नहीं पड़ेगा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा इसकी समस्या हो सकती है निश्चित होगी परंतु हमें हमारे होने का पता हमी से है किसी और की वजह से नहीं है। तो शरीर ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रिया, मन-बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब मेरे ही टूल्स हैं, जो मैं इस्तेमाल करता हूं मेरे होने के लिए मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है इसलिए तो मैं चेतन स्वरूप चेतन माने जो स्वयं के होने को जाने और अपने से भिन्न दूसरे को भी जाने और जिसको जानने के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती है उसी को तो चेतन कहते हैं। मैं आत्म स्वरूप चेतन हूं तो बुद्धि की मन की वृत्तियों की जरूरत नहीं है परंतु जब समझना है तब तो सद्बुद्धि चाहिए ना अल्पबुद्धि नहीं समझ पाएगा कुबुद्धि नहीं समझ पाएगा दुर्बुद्धि बिल्कुल नहीं समझ पाएगा कौन समझेगा जिसके पास सद बुद्धि है वही समझ पाएगा इसको तो निश्चित रूप से सदबुद्धि में ये विचार ये वृत्ति पहले पहले बनाई जाएगी पर यह ऐसे ही है जैसे इस समय अपनी शकल देखने के लिए तुम्हें शीशे की जरूरत है पर एक दफे देख ली सुबह कि हमारी शक्ल कैसी है देखो ना उसका ख्याल दिन भर ही बना रहता है कि हम सुंदर हैं पर कहीं शीशा मिल जाए तो दोबारा भी देख लेते कि भाई सब ठीक ठाक है बाल ठीक है पर ऐसा है तो नहीं ना कि शीशा ना हो तो पता ही ना चलेगा तो स्मृति हमारी बनी रहती है इसी तरह इस सद्बुद्धि बुद्धि में जब बहुत क्लैरिटी से बहुत स्पष्टता से जिसको हमने विचार चंद्रोदय में क्या कहा था दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान जब ये दृढ़ हो जाता है जब ये पक्का हो जाता है तो फिर बार बार वृत्ति बनाने की भी कोई जरूरत नहीं इसीलिए अष्टावक्र गीता में वो पूछते हैं जनक कि ज्ञानी क्या करता है तो कहते हैं अष्टावक्र जी कहते हैं ज्ञानी को नींद लगती है सो जाता है भूख लगती है खा लेता है प्यास लगती है पी लेता है चलने जैसा लगे चल लेता है और सोने जैसा लगे तो सो जाता है बस ये करता है अब जो भी कर्तव्य है अब अष्टावक्र कृषि पुत्र हैं तो उनका काम तो पढ़ाना ज्ञानी होने के बाद भी पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं वेद पाठ करा रहे हैं जनक ज्ञानी हो गए उनकी ड्यूटी क्या है राजा होना तो वो राजा होने का कर्म कर रहे हैं। उसके काम करने में कोई दिक्कत नहीं है हाँ जब ज्ञानी को अपने स्वरूप का स्वाद लेना हो मन विशेष अनुभूति लेनी हो तो वो अंतर्मुखों के सदबुद्धि के साथ सदविवेक के साथ वो समाधिस्त होकर के विशेष अनुभव लेना चाहे तो ले सकता है पर अगर वो ना भी ले तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है ज्ञानी हम उसी को कहते हैं आत्मज्ञानी हम उसी को कहते हैं जिसके लिए जागृत स्वप्न और सुषुप्ति और समाधि चार अवस्था एक समान हो जाती है जो चलूं तो करूं परिक्रमा भावना रखूं दूजा जो लेटू तो करूं दंडवत कबीर का वचन लेटता हूं तो जैसे भगवान को दंडवत है बैठता हूं तो पूजा है बोलता हूं तो वेद वचन है आंख बंद कर लू तो समाधि है आंख खोल लू बोले तो भी समाधि तो साधु सहज समाधि भली आंख न मूंदूं कान न रूंदूं तनिक कष्ट न धारू कोई कष्ट नहीं अब लेता हो पर यह स्थिति ज्ञानी की है जो अभी नया नया इस रस्ते पे चला है उसको तो बहुत कुछ करने की जरूरत है उसके लिए तो फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज का है ना शब्द रे मन ऐसो कर सन्यासा बन से सदन सब कर समझो मन ही महे उदासा फिर मन के अंदर ही वो वैराग्य कैसे बना के रखना है इसका यत्न करो नेम के नखन बढ़ाओ सील संतोख सदा निर्बह वो हुआ वो त्रै गुण अतीत तीन गुणों से अतीत होने का उपक्रम करो प्रयास करो बहुत कुछ करने को कह रहे हैं पर ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं पर जब तक ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं हुआ है तब तक तो फिर क्या करना है बड़ा काम क्या करना है सदबुद्धि बनानी है कैसे बनेगी सत्संगत से यम नियम आसन प्राणायाम से एकदम संयमबद्ध जीवन जीने से मन को राग द्वेष से मुक्त रखने से मन को विषय वासना कामना से मुक्त रखने से मन में अपार नम्रता और प्रेम को जन्म देने से गुरु की सेवा से गुरु के दर्शन से गुरु के सत्संग से ज्ञान चिंतन से वेदांत वचन का श्रवण करने से वेदांत वचन की योग्यता बनती उसकी है जिसके अंदर षट संपत्ति और मोमोक्षता होती है जिसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती है तो वो तो छेदों वाले बर्तन में दूध डालने वाली बात हो जाएगी जितना दूध डालोगे सब बह जाएगा तो अगर संदम, तितिक्षा नहीं है आप में तो जितना मर्जी ज्ञान सुन लो सब बह जाता है कोई किसी काम नहीं आता है। सिर्फ बल्कि ज्ञान का अभिमान हो जाता है हम तो बड़ा सत्संग सुने हम तो बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान आभास नहीं ज्ञान का निश्चय होना चाहिए और ज्ञान का निश्चय किसको होगा जिसके चित्त में वैराग्य है समता है इंद्रिय का दम है श्रद्धा है तितिक्षा है समाधि का समाधान है जिसके पास तो ये सब साधन दुर्बुद्धि हटाने और सद्बुद्धि को लाने के हैं और सद्बुद्धि में वेदांत की ज्ञान की वृत्ति बनेगी और ये ज्ञान की वृत्ति उस शीशे का काम करेगी जिसमें अपना निज स्वरूप जान करके देख करके मन अपार संतोष को अनुभव करता है समझ लेंगे किसे